नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कुख्यात इनामी बदमाश आदित्य राणा जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। 23 अगस्त सन 2022 को पुलिस अभिरक्षा से शाहजहांपुर ढाबे से हुआ था फरार। आदित्य राणा बदमाश के खिलाफ 43 लूट, हत्या, डकैती के केस दर्ज। पुलिस व खुफिया तंत्र के लिए आदित्य बदमाश बना एक बड़ी चुनौती। थाना से ओहारा के राणा नंगला इलाके का रहने वाला है आदित्य बदमाश। कल मेरे द्वारा शिवाला कला थाने का निरीक्षण किया गया था, उसके उपरांत जनपद बिजनौर के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई थी। आगामी त्यौहार लॉ एंड ऑर्डर और जो कानून निरोधात्मक कार्रवाई को लेके, उसके उपरांत आज सुबह जो है पुलिस ऑफिस का और उसके उपरांत जो है पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग और पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया था। और यहाँ पर अभी जैसा आपने देखा आदर्श बैरिक का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर पिंक टॉयलेट्स भी बनाए गए। थाना काफ़ी पुराना है, लगभग 125 साल से अधिक पुराना थाना है और यहाँ पे उसके उद्देश्य से बहुत सारी चीज़ें नई जीर्णोद्धार के रूप में की गई हैं। अभी यहाँ पर मेरे द्वारा अभिलेख भी चेक किए जाएंगे और जैसा आपने देखा यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम साथ में है। चौकीदारों से भी वार्ता की जाएगी और थाने की साफ सफाई रख रहा है काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि सवेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट थाना है, मना थाना है, यहाँ पे लगभग 150 के आसपास जो है गाँव मजरे पड़ते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग और बेहतर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मंत्रणा की। कल भी इस संदर्भ के अंदर गोष्ठी की गई थी और जो भी हमारी टीम है उनके साथ रिव्यू किया गया और अभी आपने देखा होगा विगत सप्ताह ही उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उस संदर्भ में और भी अभी कार्रवाई जो हम लोग की शेष है, गैंग रजिस्ट्रेशन को और बढ़ाने को लेके, गैंगस्टर्स को लेके, उसके और चीज़ों को लेके जो उसके न्यायालय के पैरवी हेतु मुकदमे हैं, उन सब चीज़ों को देख के पुलिस अलग अपना काम कर रही है। उसकी गिरफ्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने नेतृत्व के अंदर कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी उसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जल्दी उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कब तक पॉसिबिलिटी है सर उसके? देखिए, तय समय सीमा तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि बट ये हमारे पूरी रेंज की सबसे प्राथमिक केसेस में से हैं और इसको सतत रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। और जैसा मैंने बताया, हम लोग पूरी तरह इसके हैं, पूरी तरह विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं और हम लोगों ने कल फिर इस संदर्भ में अपनी कार्य योजना को रिव्यू किया है और जो भी उसके साथी हैं या जिन्होंने इस बीच उसको शरण दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चालू किया गया है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।